हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपी शिक्षा में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लास 14 है। तो ये जो टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है अदर कंप्यूटर एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल एचपी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, एमएस पावर पॉइंट को जब हम ओपन करते हैं अपने कंप्यूटर में तो ये हमें इस टाइप का ये इंटरफेस दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप्स की बार्स और फीचर दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो बार है सेम रहेंगी जैसे कि एमएस वर्ड और एक्सेल में थी। तो ये जो फर्स्ट बार है इस बार को हम बोलेंगे, जो डार्क ब्लू कलर में आपको दिख रही है इस बार को बोलते हैं हम टाइटल बार। और जो सेकंड बार है इसमें जहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं फाइल एडिट व्यू इंसर्ट फॉर्मेट टूल स्लाइड शो विंडो हेल्प के जहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं इस बार को हम बोलेंगे मेनू बार। ये बार जो है सेकंड बार इसको हम बोलते हैं मेनू बार। और जो आपको थर्ड बार दिख रही है इस बार को बोलते हैं हम टूल बार। तो ये जो टूल बार है इस बार को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक करेंगे स्टैंडर्ड टूल बार में और दूसरी करेंगे फॉर्मेटिंग टूल बार में। तो स्टैंडर्ड टूल बार में जो ऑप्शन आएंगे आपको यहाँ पर जो आपको दिख रहा है प्रिंटर वगैरह दिख रहे हैं और जो आपने टेक्स्ट को अंडो वगैरह करना है तो ये बार में आएंगे, स्टैंडर्ड टूल बार में आएंगे ये ऑप्शन। और जो फॉर्मेटिंग टूल बार में आएंगे वो आएंगे अगर आपने फ़ॉन्ट जो टेक्स्ट का साइज़ फ़ॉन्ट को चेंज करना है, इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है और या लैंग्वेज को चेंज करना है, जो आपने टेक्स्ट किया उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है या आपने जो टेक्स्ट लिखे हैं उसको एडजस्ट करना है, तो ये जो आएंगे ये फॉर्मेटिंग टूल बार के अंडर आएंगे। तो ये हो गई बार की बात। इसके बाद नीचे ये आपको जो दिख रही है इसको हम बोलते हैं, ये जो आपको दिख रही है लैंडस्केप मोड में इसको हम बोलते हैं आउटलाइन। तो ये इसको आउटलाइन के अलावा हम बोलते हैं स्लाइड टैब पेन भी बोलते हैं इसको हम। और ये जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं टास्क पेन, तो इसको हम बोलेंगे टास्क पेन। और इसके अलावा बात करें तो ये जो है यहाँ पे हम टाइटल लिखते हैं, ये आपको स्लाइड दिख रही है और यहाँ पे हम सब टाइटल लिख सकते हैं जो भी आपने लिखना राइट करना चाहते हो। इसके अलावा इसके नीचे आप देख सकते हो व्यू बटन का आप ऑप्शन देख सकते हो और ये आप ऑफिस असिस्टेंट का भी देख सकते हो। इसके अलावा आप स्टेटस बार को आप देख सकते हो, ये स्टेटस बार जो है आपको दिख रही है ये जो बार है इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार जो आपको नीचे दिख रही है। इसके अलावा जो ड्राइंग बार है ये है इसको हम बोलते हैं ड्राइंग बार। और ये जो निचली बार जो को हम बोलेंगे स्टेटस बार। तो फ्रेंड्स, ये थी, ये मैंने आपको थोड़ा सा हिंट के लिए बताया है। तो अब हम डिस्कस करेंगे पावर पॉइंट की डेफिनेशन क्या है। तो पावर पॉइंट की जो डेफिनेशन है वो है, तो फ्रेंड्स पावर पॉइंट जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो जैसे कि एमएस वर्ड और एक्सेल थे वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे क्योंकि हम इसका यूज़ करते हैं, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है पावर पॉइंट भी। तो इसको डिफाइन करेंगे हम, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज ए पावरफुल स्लाइड शो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स, जो एमएस वर्ड थे, वर्ड और एक्सेल थे उसमें हम जो रिप्रेजेंट करते थे उसमें वर्कबुक में हम डाटा को रिप्रेजेंट करते थे, यानी कि वर्कशीट में हम अपना डाटा रिप्रेजेंट करते थे, इसमें हम जो अपना डाटा रिप्रेजेंट करेंगे वो करेंगे स्लाइड में अपना डाटा रिप्रेजेंट करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट पावरफुल इज़ ए पावरफुल स्लाइड शो प्रेजेंट प्रोग्राम। तो जो हमने प्रोग्राम राइट किया है ये हम प्रोग्राम को शो करेंगे स्लाइड के जरिए। आगे बात करें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जैसे कि आप जानते हैं, विच इज़ पर्टिकुलर यूज टू प्रेजेंट डाटा एंड इन्फॉर्मेशन बाई यूजिंग टेक्स्ट डायग्राम इमेजेस एनिमेशन ट्रांजिशन इफेक्ट इन दी फॉर्म ऑफ स्लाइड। तो फ्रेंड, जो भी हम राइट करेंगे, टेक्स्ट को लिखेंगे, डायग्राम सेट वगैरह करेंगे, इमेज लगाएंगे, एनिमेशन ट्रांजिशन इफेक्ट वगैरह लगाएंगे, तो ये हम लगाएंगे इन दी फॉर्म ऑफ स्लाइड्स में ये लगाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया वर्ड और एक्स में हम, एक्सेल में हम जो राइट करते थे वो हम राइट करते थे वर्कशीट में, इसमें हम राइट करेंगे स्लाइड में। तो ये इसका फीचर है, इसमें जो भी हम लिखेंगे, जो कुछ भी लगाएंगे ये वो लगाएंगे स्लाइड की फॉर्म में लगाएंगे। आगे बात करते हैं होम मेन्यू क्या होता है। इंक्लूडिंग क्लिपबोर्ड, कट कॉपी, स्लाइड फॉर्मेट, पेंटर लेआउट, न्यू स्लाइड, सिलेक्शन, रीसेट, फॉन्ट, पैराग्राफ, एडिटिंग, रिप्लेस एंड फाइंड कमांड्स। तो ये होम मेन्यू में आएंगे जितने भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, क्लिपबोर्ड जो है फ्रेंड्स ये कट कॉपी पेस्ट जो होता है ये क्लिपबोर्ड के अंदर ही आता है। तो ये स्लाइड आ गया, फॉर्मेट, पेंटर लेआउट, न्यू स्लाइड, ये आपको जो ऑप्शन देखने को मिलेंगे ये होम मेन्यू में आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसको देख लीजिए। तो फाइंड कमांड को भी हम होम मेन्यू में देख सकते हैं, कट कॉपी जो ऑप्शन है ये हमें होम मेन्यू में मिलेंगे। इसके बाद इंसर्ट मेन्यू की बात करें तो इंसर्ट मेन्यू में जो आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे ये मिलेंगे न्यू स्लाइड्स, टेबल्स, इमेजेस, स्क्रीनशॉट,
फोटो इलस्ट्रेशन शेप स्मार्ट आर्ट लिंक्स टेक्स्ट बुक्स हेडर एंड फुटर वर्ड आर्ट डेट एंड टाइम वीडियो ऑडियो। तो फ्रेंड्स इंसर्ट मेन्यू में आप इंसर्ट कर सकते हो, ये आपको न्यू स्लाइड्स वगैरह मिल जाएंगी। यहाँ पे टेबल्स इमेजेस स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, फोटो इलस्ट्रेशन शेप्स वगैरह देनी है जो भी टेक्स्ट की देनी है अपने स्मार्ट आर्ट यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा हेडर फुटर का यूज़ कर सकते हो, वर्ड आर्ट यूज़ कर सकते हो, डेट एंड टाइम का यूज़ कर सकते हो, वीडियो ऑडियो ये आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हेडर जो फुटर होता है, जैसे कि हमने टेक्स्ट लिखा है उसके ऊपर ये राइट करता है हेडर जो होता है, और जो फुटर होता है जो हमने टेक्स्ट लिखे हैं ये जो टेक्स्ट हमने लिखे हैं उसके नीचे में ये राइट करता है। तो ये हेडर फुटर होते हैं, तो ये आपको इंसर्ट मेन्यू में मिल जाएंगे। इसके अलावा डिज़ाइन मेन्यू की बात करें तो डिज़ाइन मेन्यू में आपको मिल जाएंगे थीम्स, मिल जाएंगे वेरिएंट, मिल जाएंगे कस्टमाइज, स्लाइड साइज मिल जाएगा, फॉर्मेट और बैकग्राउंड भी आपको ये मिल जाएंगे डिज़ाइन मेन्यू में। तो फ्रेंड्स आप थीम्स वगैरह जो होते हैं ये स्लाइड को काफ़ी अट्रैक्ट बनाते हैं, वेरिएंट जो हैं ये भी कस्टमाइज, स्लाइड साइज जो आपने देना स्लाइड का जो साइज देना चाहते हो, फॉर्मेट कलर वगैरह जो यूज़ करने आप कर सकते हो, बैकग्राउंड दे सकते हो अच्छा सा, तो इससे भी आपकी जो स्लाइड है काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगी। तो ये आपको डिज़ाइन मेन्यू में आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे। ट्रांजिशन मेन्यू की बात करें तो ट्रांजिशन मेन्यू में जो आपको ऑप्शन मिलेंगे वो मिलेंगे इंक्लूड प्रीव्यू ट्रांजिशन टू दी स्लाइड एंड टाइमिंग। तो फ्रेंड्स ट्रांजिशन जो होती है ट्रांजिशन मेन्यू में फ्रेंड्स आपको बढ़िया से बढ़िया ऑप्शन मिल जाएंगे। इससे ये होगा कि आपने जो स्लाइड बनाई है वो डिफरेंट टाइप से आपको रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, इससे जो आपकी स्लाइड है काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगी। ट्रांजिशन मेन्यू में आपको डिफरेंट टाइप्स की ट्रांजिशन मिल जाएंगी, जैसे कि आपको दिख भी रहा है यहाँ पे इंक्लूड प्रीव्यू ट्रांजिशन टू दी स्लाइड एंड टाइमिंग। तो इसमें आप टाइमिंग के जरिए भी आप अपने ट्रांजिशन को काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हो, टाइमिंग आप जितना मर्जी दे सकते हो, जिससे कि आपकी फ़ाइल जो होती है काफ़ी अट्रैक्टिव रूप में ये शो होती है। एनिमेशन मेन्यू की बात करें तो एनिमेशन मेन्यू में आपको देखने को मिलेगा इंक्लूड प्रीव्यू एनिमेशन एडवांस एनिमेशन एंड टाइमिंग। तो एनिमेशन जो होता है फ्रेंड्स ये होता है जैसे कि फेस्टिवल वगैरह भी होते हैं, तो ये जब आपके फ्रेंड एनिमेशन जब आपके फ्रेंड जो हैं जैसे कि कोई फेस्टिवल है तो वहाँ पर आपको ये कुछ भी भेजते हैं, जैसे कि दिवाली होगी तो वहाँ पे आपको ऐसे भेजते हैं कि दिवाली की शुभकामनाएं। तो ये आपको जो होते हैं ये जो पिक्चर भेजते हैं तो ये मोशन करती है पिक्चर, तो ये जो पिक्चर मोशन जो करती है इसको ही हम एनिमेशन मेन्यू बोलते हैं। तो ये एनिमेशन मेन्यू का यूज़ करके हम पिक्चर को काफ़ी अट्रैक्टिव और ये मोशन में होने लगती है पिक्चर, जिससे ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है, तो एनिमेशन मेन्यू का हम यूज़ कर सकते हैं, तो इससे स्लाइड काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगी। इसके बाद रिव्यू की बात करें तो रिव्यू में हम कर सकते हैं इंक्लूड प्रूविंग स्पेलिंग। तो रिव्यू में हम स्पेलिंग वगैरह आपको जो रिव्यू जब हम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें प्रूविंग स्पेलिंग के ऑप्शन मिल जाएंगे, चेक एक्सेसिबिलिटी ट्रांसलेट लैंग्वेज ये ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, कमेंट्स वगैरह जो हैं ये रिव्यू में मिल जाएंगे, न्यू कमेंट्स, कंपेयर इंक। तो फ्रेंड्स ये जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। रिव्यू में जो आपको ऑप्शन मिलेंगे प्रूफ स्पेलिंग, चेक एक्सेसिबिलिटी ट्रांसलेट लैंग्वेज, कमेंट्स जो हैं ये रिव्यू में मिलेंगे आपको, इसके अलावा न्यू कमेंट्स जो भी हैं, कंपेयर इंक ये आपको रिव्यू में मिलेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स व्यू की बात करें तो व्यू में आप देख सकते हो इंक्लूड प्रेजेंटेशन व्यू, नॉर्मल आउटलाइन व्यू, गाइड नोट्स, जूम नोट्स, मास्टर शो रूलर, स्लाइड मास्टर, आउटलाइन व्यू, रीडिंग व्यू, मास्टर व्यू, स्लाइड सॉर्टर, हैंगआउट मास्टर। तो फ्रेंड्स व्यू में आप ये देख सकते हो जैसे कि आपने जो टेक्स्ट लिखा है उसको जूम वगैरह करना है, प्रेजेंटेशन व्यू करना है, कुछ भी नॉर्मल आउटलाइन लगाने हैं तो ये आप लगा सकते हो, स्लाइड सॉर्टर का यूज़ कर सकते हो जिससे कि आपका जो टेक्स्ट हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव रूप में ये शो होते हैं, हैंगआउट मास्टर का यूज़ करके भी ये आपके जो टेक्स्ट हैं काफ़ी अट्रैक्टिव लगेंगे, तो व्यू में आप ऐसा कर सकते हैं। तो व्यू में सबसे ज़रूरी बात है इसमें जूम वगैरह भी कर सकते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसके बाद बात करें तो होम में आपको क्लिप बोर्ड वगैरह दिख जाएंगे, तो क्लिप बोर्ड के अंदर जो आता है वो आता है कट कॉपी पेस्ट जो भी है, तो कॉपी कंट्रोल प्लस सी का प्रेस करके हम ये कॉपी कर सकते हैं टेक्स्ट को। तो फ्रेंड्स जैसे कि एमएस वर्ड एक्सेल में भी यही रहता है, कट कॉपी करने के लिए हम इस की का ही यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस सी का, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा हमने जो टेक्स्ट लिखे हैं उसको कट करने के लिए हम जो बटन प्रेस करेंगे वो करेंगे कंट्रोल प्लस एक्स का यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस एक्स का यूज़ करेंगे तब हम जो टेक्स्ट लिखे हैं उसको कट कर पाएंगे। यहाँ से गलती से मिस प्रिंट हो गया है, नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड इसके अलावा हमें क्लिपबोर्ड में फॉर्मेट भी मिल जाता है, इसके अलावा स्लाइड वगैरह लगानी हो स्लाइड ऑप्शन मिल जाएगा, उसके स्लाइड में हम देख सकते हैं न्यू स्लाइड वगैरह लगा सकते हैं, लेआउट और रीसेट लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो लेआउट होता है ये होता है पेज को हम डिफरेंट टाइप से एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि स्लाइड जो होती है डिफरेंट टाइप से हम उसको बना सकते हैं,
जैसे कि यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं, यहाँ पे भी राइट कर सकते हैं। तो लेआउट डिफरेंट टाइप से बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ये अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी हम राइट करना चाहते हैं उस हिसाब से हम लेआउट ले सकते हैं। तो ये आपको स्लाइड में मिल जाएगा लेआउट। आगे देखते हैं फॉन्ट। फॉन्ट की बात करें तो फॉन्ट का मतलब होता है साइज़ को इंक्रीज वगैरह जो करना होता है उसको हम फॉन्ट बोलते हैं। फॉन्ट साइज़ बोल्ड लगा सकते हैं, बोल्ड में मोटा कर सकते हैं, इटैलिक, तिरछा, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू। तो स्ट्राइक थ्रू जो होता है फ्रेंड्स इसको हम बोलते हैं, ये जो है अगर इसके इसके ऊपर एक लाइन लग जाए तो उसको हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू, अगर इसके अगर दो लाइनें लगा दें बीच में तो उसको हम बोलते हैं डबल स्ट्राइक थ्रू। तो फ्रेंड्स ये आपको पता चल गया होगा। उसके अलावा सुपर स्क्रिप्ट की बात करें तो हमने अगर पावर को जो बेस की पावर लिखनी है तो हम इसका यूज़ करेंगे, जैसे कि कोई भी पावर लिखनी है तो इसका हम यूज़ करेंगे सुपर स्क्रिप्ट का। तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए हमें कीबोर्ड पर यूज़ करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट और कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का यूज़ करना है, तब जाके हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सब स्क्रिप्ट की बात करें तो सब स्क्रिप्ट के लिए जो पावर होती है डाउन में लिखी जाती है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस इक्वल का यूज़ करेंगे, तब हम सब स्क्रिप्ट को लिख पाएंगे, यानी कि जो पावर है उसको हम डाउन में लिख पाएंगे, जो भी पावर हो उसको हम बोलते हैं डाउन में लिखेंगे तो उसको हम बोलेंगे सब स्क्रिप्ट, और अप में पावर लिखेंगे तो उसको हम बोलेंगे सुपर स्क्रिप्ट। तो इसके अलावा अगर हमने जो हमारे अगर हमने जो टेक्स्ट लिखे हैं उसके साइज़ को इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए हमें कीबोर्ड में यूज़ करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन। अगर हमने जो टेक्स्ट लिखे हैं उसके साइज़ को हमने डिक्रीज़ करना है तो उसके लिए हमें यूज़ करना होगा कंट्रोल प्लस लेस देन का साइन यूज़ करना होगा, तब जाके हम जो अपना टेक्स्ट का साइज़ है उसको हम डिक्रीज़ कर पाएंगे। तो ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर पाएंगे इन इन कीबोर्ड के जो बटन में ये अगर प्रेस करेंगे इनको। और फॉन्ट कलर भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉन्ट में। इसके अलावा बात करें तो पैराग्राफ में हम पैराग्राफ में बुलेट नंबरिंग मल्टी लेवल लिस्ट डिक्रीज इंटेंट इंक्रीज इंटेंट शो हाइड, ये हम इसका यूज़ कर सकते हैं पैराग्राफ में। तो जो हमने राइट किया है उसका हम हाइड करने के लिए या शो करने के लिए कीबोर्ड में यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस एसटी का यूज़ करेंगे, तो इससे हमारा जो राइट किया हो ये शो या हाइड हो जाएगा, तो इसका यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स पैराग्राफ में ये हमें ऑप्शन देखने को मिलेंगे। बुलेट जो होते हैं फ्रेंड्स ये होते हैं ऐसे इस टाइप के होते हैं बुलेट, और जो नंबरिंग होते हैं ये इस टाइप में होते हैं, जो भी हमने डाटा लिखा है वो किस फॉर्म में लिखना है या इस फॉर्म में लिखना है या इस फॉर्म में लिख सकते हो आप। तो ये आप पैराग्राफ में आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको इंटेंट वगैरह इंक्रीज़ करना है डिक्रीज़ करना है ये आप पैराग्राफ में कर पाएंगे। आगे बात करें तो डिफ़ॉल्ट नेम जो है एमएस पावर पॉइंट का वो है प्रेजेंटेशन। तो ये डिफ़ॉल्ट नेम है एमएस वर्ड एमएस पावर पॉइंट का। तो फ्रेंड्स अगर बात करें तो एमएस वर्ड की बात करें तो उसका जो डिफ़ॉल्ट नेम है वो है डॉट .docx, वो इसका सॉरी फ्रेंड्स ये फाइल डिफ़ॉल्ट नेम जो है एमएस वर्ड का वो है डॉट, इसका जो एक्सटेंशन है वो है सॉरी फ्रेंड्स वो है डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन, सॉरी फ्रेंड इसको टेंशन एक्सटेंशन ही बोलेंगे। इसका डिफ़ॉल्ट नेम जो है एमएस वर्ड का वो है डॉक्यूमेंट, और जो एमएस एक्सेल का जो डिफ़ॉल्ट नेम है वो है इसका जो डिफ़ॉल्ट नेम है वो है बुक। तो बुक जो एक्सटेंशन जो डिफ़ॉल्ट नेम है वो है एमएस एक्सेल का, और जो एमएस वर्ड का वो है डॉक्यूमेंट। और जो फ्रेंड्स यहाँ पे पावर पॉइंट का पूछा है तो ये डिफ़ॉल्ट नेम है एमएस पावर पॉइंट का, जो डिफ़ॉल्ट नेम है वो है प्रेजेंटेशन। तो अगर हम फाइल को सेव नहीं करेंगे तो ये खुद ही अपने आप नाम से सेव हो जाती है एमएस पावर पॉइंट में, वो हो जाती है प्रेजेंटेशन के नाम से। आगे बात करें तो अगर हमने नई स्लाइड को ऐड करना है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस एम। अगर हमारे पास स्लाइड को हमने यूज़ कर लिया और हमें और स्लाइड चाहिए तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस एम का पावर पॉइंट में। आगे देखते हैं डिफ़ॉल्ट पेज स्टेप ओरिएंटेशन फॉर स्लाइड इन पावर पॉइंट इज़, तो डिफ़ॉल्ट पेज जो होता है ओरिएंटेशन स्लाइड के लिए पावर पॉइंट में तो वो होता है लैंडस्केप। तो फ्रेंड्स ये जो पेज होता है ये इस टाइप में मिलता है आपको, ये आपको इस टाइप में नहीं होगा, ये इस टाइप में ही होगा, तो इसको ही हम बोलते हैं लैंडस्केप। ये रॉन्ग हो जाएगा, ये इस मोड को हम बोलते हैं पोर्ट्रेट और ये है लैंडस्केप। तो लैंडस्केप मोड ही चलता है स्लाइड में, तो ये होगा लैंडस्केप। तो लैंडस्केप फ्रेंड्स आपको पता भी होगा लैंडस्केप मोड जो होता है ये होता है, इसको हम बोलते हैं पोर्ट्रेट मोड, और ये होता है लैंडस्केप मोड। तो लैंडस्केप मोड में ही ये चलता है जो स्लाइड होती है। उसके अलावा बात करें स्लाइड सॉर्टर व्यू वर्क बेस्ट फॉर एडिंग स्लाइड ट्रांजिशन, तो स्लाइड सॉर्टर व्यू जो होता है वर्क करता है बेस्ट फॉर एडिंग स्लाइड ट्रांजिशन। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू जो होता है वो वर्क करता है अगर हमने स्लाइड ट्रांजिशन को ऐड करना है, तो ये स्लाइड सॉर्टर वर्क करता है बहुत अच्छे से।
तो आगे बात, तो फ्रेंड्स ये जो स्लाइड सॉर्टर व्यू है, आप ये जो आपको मिलेगा ये मिलेगा, आप व्यू पे प्रेस करोगे, ये आप देख रहे हो पावर पॉइंट का ये फ्रेंड्स, इसको ये इंटरफेस खुला हुआ है। यहाँ पे अगर हम व्यू पे क्लिक करते हैं उसके बाद ये खुलेगा स्लाइड सॉर्टर, आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप अदर ऑप्शन भी देख रहे हैं, नोट पेज हो गया, स्लाइड शो, स्लाइड मास्टर, हैंग आउट मास्टर, ये आपको मिल जाएंगे व्यू में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, व्यू में आपको जूम्स वगैरह के ऑप्शन भी मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हो। तो मैंने आपको बताया भी था व्यू में आपको ये ऑप्शन याद रखने हैं कि व्यू में को कौन से ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो फाइल एक्सटेंशन जो है एमएस पावर पॉइंट का, वो है पीपीटी, पीपीटीएक्स, ये फाइल एक्सटेंशन है एमएस पावर पॉइंट का। तो फ्रेंड्स ये एक्सटेंशन आपने याद रखना है। इसके अलावा एमएस वर्ड का जो फाइल एक्सटेंशन था वो था डॉट DOCX, इसका एक्सटेंशन था। और एमएस एक्सेल का जो एक्सटेंशन था वो था, एमएस एक्सेल का जो एक्सटेंशन था फाइल एक्सटेंशन वो था .xls, ये एक्सटेंशन था। और जो एमएस पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है वो है पीपीटी, पीपीटीएक्स। तो ये एक्सटेंशन याद रखना अपने। द जूमिंग पावर ऑफ एमएस पावर पॉइंट इज 400, ये इसकी जूमिंग पावर है। और एमएस पावर की जो जूमिंग पावर थी वो 500 थी, और एमएस एक्सेल की जूमिंग पावर भी 400% है। तो फ्रेंड्स मैं आपको अदर फैक्ट भी बताते जा रहा हूँ कि जिससे कि आपको पिछला भी कवर हो जाए। तो आप एमएस वर्ड और एक्सेल की वीडियो देख सकते हो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू को, जिससे हमें ऊपर का पढ़ा वो आपका क्लियर हो जाए। तो व्हाट इज़ मैक्सिमम जूमिंग परसेंटेज इन एमएस पावर पॉइंट, तो ये होती है 400% होती है जूमिंग पावर, ये आपको क्लियर हो गया होगा। एमएस वर्ड जो होता है उसकी जूमिंग पावर 500% होती है, और एमएस एक्सेल की जूमिंग पावर भी 400% होती है। तो एमएस एक्सेल की जूमिंग पावर भी यही होती है, और पावर पॉइंट की जूमिंग पावर भी यही होती है। पावर पॉइंट जो एमएस वर्ड की होती है वो 500% होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द ग्राफिक लाइट सो दैट इट कैन बी यूज बिहाइंड द टेक्स्ट। तो फ्रेंड्स ये किया जाता है, वाटरमार्क का यूज़ किया जाता है, जैसे कि कोई भी, जैसे ये लिखा हुआ है इसके पीछे जो लिखा जाएगा, जो लाइट कलर में लिखा जाएगा उसको हम वाटरमार्क बोलते हैं। तो फ्रेंड्स वाटरमार्क का यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमारी फाइल है, जैसे हमने फाइल बनाई हुई है, अगर उस फाइल को चोर नहीं सकता है व्यक्ति, तो वो नहीं चोर सकता है वाटरमार्क के जरिए, क्योंकि उसमें जो वाटरमार्क होगा वो उस जो बंदे ने जो PDF बनाया है उसका, वो उस पर उस फाइल का नाम होगा। तो ये वाटरमार्क का यूज़ किया जाता है जिससे कि आपकी फ़ाइल चोरी ना हो। तो ये यूज़ किया जाता है, ये लाइट फॉर्म में होता है, ये बैकग्राउंड में लिखा जाता है, जैसे कि ये आपको दिख रहा है इसके पीछे बैकग्राउंड में लिखा जाए लाइट कलर में, तो उसको हम बोलेंगे वाटरमार्क। आगे देखते हैं, इन पावर पॉइंट शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इज, तो न्यू स्लाइड को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+M का यूज़ करेंगे, इससे जो होगी ये न्यू स्लाइड जो होगी पावर पॉइंट में खुल जाएगी। तो इससे एक पावर जो स्लाइड होती है वो ऐड होती है, स्लाइड को हम बढ़ा सकते हैं Ctrl+M का प्रेस करके। आगे देखते हैं, विच की डू यू प्रेस टू चेक स्पेलिंग, तो स्पेलिंग को चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो स्पेलिंग को चेक करने के लिए हम F7 का यूज़ करते हैं। अगर हम पावर पॉइंट की जो फाइल जो हमें स्लाइड बनाई है उसको सेव करना है तो F12 का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए फाइल विच कंटेन रेडीमेड स्टाइल दैट कैन बी यूज फॉर प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड, तो जो फाइल हमने पहले से रेडीमेड है और हम उसका यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंटेशन में, तो उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट। तो फ्रेंड्स ये पहले से ही रेडी होती है, यानी कि इसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, ये पहले से बनी होती है। तो इसका अगर हम यूज़ करते हैं, ये बनी बनाई होती है टेम्पलेट, तो इसका यूज़ करते हैं हम प्रेजेंटेशन में कई बार, तो ये टाइम को भी बचाती है टेम्पलेट। अगला क्वेश्चन है, टू एग्जिट द पावर पॉइंट इज, तो पावर पॉइंट को एग्जिट करने के लिए हम करते हैं Alt+F4 का यूज़। तो फ्रेंड्स पावर पॉइंट के अलावा अगर एमएस वर्ड और एक्सेल की बात करें तो इसको भी एग्जिट करने के लिए हम इसका ही यूज़ करेंगे Alt+F4 का। तो इससे हम जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हम उससे बाहर आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट एग्जिट इन दिस स्लाइड लेआउट, तो ट्रांजिशन जो है ये ट्रांजिशन सेक्शन डज नॉट एग्जिट इन द स्लाइड लेआउट, तो ये एग्जिट नहीं करता है जो ट्रांजिशन है स्लाइड लेआउट को। तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट, ट्रांजिशन जो है ये एग्जिट नहीं करेगा स्लाइड लेआउट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन आर नोन हैज, तो स्पेशल इफेक्ट जो यूज़ होते हैं ये होते हैं ट्रांजिशन में। तो फ्रेंड ट्रांजिशन जो होते हैं ये आपके जो स्लाइड को है ये काफ़ी अट्रैक्टिव वे से ये इसको शो करता है, जिससे कि दूसरे व्यक्ति को भी काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है ये फाइल, तो वो इम्प्रेस भी होता है इससे, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज कलेक्शन ऑफ, तो ये शीट स्लाइड का फ्रेंड्स ये कलेक्शन है। तो जैसे एमएस वर्ड और एक्सेल थे
वो जो कलेक्शन है वो है वर्कशीट के कलेक्शन है, जो पावर पॉइंट है ये कलेक्शन है स्लाइड का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मेन्यू प्रोवाइड अप्लाइड डिज़ाइन इन ए पावर पॉइंट। तो आपने बताना है कि कौन सा मेन्यू है जो प्रोवाइड करता है डिज़ाइन करता है इन पावर पॉइंट में। तो ये जो डिज़ाइन प्रोवाइड करता है ये करता है इंसर्ट मेन्यू जो होता है फ्रेंड्स, इसमें ही आपको मिलेगा ये जो डिज़ाइन है इन ए पावर पॉइंट। तो ये इंसर्ट मेन्यू में मिलता है आपको डिज़ाइन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इंसर्ट पर जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा डिज़ाइन। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, फ्रॉम विच मेन्यू स्लाइड सॉर्टर कैन बी असेस्ड। तो कौन सा मेन्यू है जिससे हम ये स्लाइड सॉर्टर को असेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स व्यू पर जाओगे जब तो आपको ये स्लाइड सॉर्टर मिल जाएगा। तो व्यू पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये स्लाइड सॉर्टर मिल जाएगा, जैसे कि ऊपर भी आपने देखा था व्यू पे क्लिक किया था स्लाइड सॉर्टर आपको शो हो रहा था, वहाँ पे अदर ऑप्शन भी आपको शो हो रहे थे जैसे जूम वगैरह के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पावर पॉइंट व्यू वर्क्स बेस्ट फॉर द एडिंग स्लाइड ट्रांजिशन। तो आपने बताना है कि विच पावर पॉइंट व्यू वर्क बेस्ट फॉर एडिंग स्लाइड ट्रांजिशन। तो ये जो होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू जो होता है इसका जो होता है ये वर्क बेस्ट करता है जब हम ये स्लाइड सॉर्टर व्यू पे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन फोर हो जाएगा राइट, स्लाइड सॉर्टर व्यू वर्क बेस्ट फॉर एडिंग स्लाइड ट्रांजिशन। तो ये स्लाइड सॉर्टर जो भी होता है ये बेस्ट करता है वर्क अपना जो स्लाइड ट्रांजिशन होता है। तो इसका ऑप्शन फोर हो जाएगा राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी स्टॉप ए स्लाइड। तो फ्रेंड हम जो हमने स्लाइड को चलाया है या ओपन किया है तो उसको हम बंद करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रेस एस्क की का यूज़ करेंगे। तो इसका ऑप्शन थ्री हो जाएगा राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द टर्म टर्म यूज़ व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस की एंड मोड द माउस अराउंड द स्लाइड। तो फ्रेंड्स ये जो स्लाइड होती हैं ये माउस के चारों ओर होती हो जाती हैं, तो इसका हम यूज़ जब हम ड्रैगिंग का यूज़ करते हैं तो इसके जो ये चारों तरफ जो होती हैं ये स्लाइड आ जाती है। तो ये माउस का हम जब ड्रैगिंग का यूज़ करेंगे तो हमारे सामने अनेक जो स्लाइड होंगी ये शो हो जाएंगी माउस के। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेइंग टेक्स्ट एंड पिक्चर विद मूविंग एंड साउंड इफेक्ट। तो इसको हम बोलते हैं, इसको फ्रेंड्स हम बोलते हैं एनिमेशन। तो एनिमेशन जो होती है फ्रेंड्स ये पिक्चर मोशन में होती है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया भी आपको। तो ये जो फेस्टिवल वगैरह होते हैं तब तो जब आपके फ्रेंड आपको भेजते भी होंगे तो ये जो पिक्चर होती है ये मोशन करती है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कैन यू मेक द सेलेक्टेड करेक्टर सुपर स्क्रिप्ट। तो ये लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके जरिए हम सुपर स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं और जो सब स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं इसके जरिए। तो इसका ऑप्शन टू हो जाएगा राइट। तो मैंने आपको सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के भी बारे में भी बता दिया है। तो फ्रेंड्स ये थे, मैंने आपको डिटेल में भी समझाया और इसके अलावा मैंने आपको MCQ भी कराए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।